अध्यक्ष अमित शाह संबोधन, जिसमें इतनी सारी जातियां और समाजों का एक गुलदस्ता बनता होगा। कई लोगों को इसमें राष्ट्र की समाज जीवन की निर्बलता दिखती है, मेरे जैसे व्यक्ति को उसमें बड़ी ताकत और उसमें बड़ी शक्ति दिखती है। ये हमारे समाज की एक शक्ति है। मगर तेली साहू राठौड़ समाज है, देश में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां पर ये समाज का व्यक्ति कारोबार नहीं करता होगा, देश की सेवा करता। देश भर के हर गांव के अंदर ये समाज फैला है। इस समाज ने अपनी सुवास, अपनी सुगंध से हर गांव के अंदर एक आभा मंडल का सृजन किया है। चुपके से चुपचाप अपना छोटा मोटा कारोबार करना, धन हो न हो, मगर अपने सद्व्यवहार से, अपने जिसको कह सकते हैं रोजगारी के कुने से, पूरे गांव का मन जीतने का काम ये समाज ने किया है। और पहले मैं मानता था कि ऐसा सिर्फ गुजरात में है, किसी भी गांव में चले जाइए आपको मोदी की दुकान जरूर मिलेगी, ऐसा मुझे लगता था कि सिर्फ गुजरात में होगा। मगर अब मेरा देश भर का दौरा हो, पार्टी के काम से, पार्टी के संगठन से, चुनावों के कारण, और देश भर में जहां जाता हूं वहां पर इस प्रकार का सुगंधित वातावरण इस समाज ने खड़ा किया है। मैं सबसे पहले आप सभी को समाज के नाते हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हिमाचल हो, वहां गुप्ता परमार, पंजाब में सेठी, राजस्थान में पांची तेली, गुजरात में मोड़ वणिक मोदी, महाराष्ट्र के अंदर चौधरी तेली परदेसी, कर्नाटक के अंदर वनियार सिट्टी लिंगायत, तमिलनाडु के अंदर वनियार मानिका, आंध्र प्रदेश के अंदर मांडला, तेलंगाना के अंदर तेली कुला, मध्य प्रदेश के अंदर राठौड़ साहू, ढेर सारे राज्यों में के अंदर एक भी राज्य ऐसा नहीं, नेपाल तक इस समाज का अस्तित्व हर गांव के अंदर बसा है। और दूध के अंदर शक्कर की तरह ये समाज घुल मिलकर दूध की मिठास बढ़ाने का काम कर, इसलिए आज मैं इस समाज को इस मंच पर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि पूरे देश भर में काम करते वक्त, अपना व्यापार करते वक्त कहीं कटुता खड़े करे बगैर आज इतना बड़ा समाज अपने स्व परिश्रम से, स्व पराक्रम से आगे बढ़ा है। इसके लिए सब आप, तो आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी जातिवाद में विश्वास नहीं करते। जब से उन्होंने सार्वजनिक जीवन अपनाया तब से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक हमेशा जातिवाद का दूषण राजनीति के अंदर से निकले, इसके लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति अगर कोई एक है तो वो नरेंद्र मोदी। परंतु यह भी वास्तविकता है कि मोदी जी भी यही समाज से आते हैं और यही समाज से गरीब घर से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तक का सफर बड़ी मेहनत और प्रामाणिकता के साथ। मैं मित्रों लगभग 1980 से मोदी जी को जानता हूं, तब मोदी जी को कोई नहीं जानता था, तब से मैं जानता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के जीवन में रास्ता कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता के जीवन में किस प्रकार की सुचिता होनी चाहिए, कार्यकर्ता ने किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, कार्यकर्ता ने किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, कार्यकर्ता ने किस प्रकार से बोलना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में हमारा व्यवहार कैसा, ढेर सारी चीजें मैं आपको कह सकता हूं कि जैसे हर रोज एक शिल्पी एक पत्थर को थोड़ा 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 कर एक संपूर्ण मूर्ति बनाता है, इसलिए इस तरह से मोदी जी ने गुजरात और देश में अनेकानेक कार्यकर्ताओं का निर्माण का काम किया है। और मैं मानता हूं
कि इसी का परिणाम है कि आज देश भर में, कभी हमारी दो सीटें हुआ करती थी, आज देश भर में 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 16 सरकारें, 11 करोड़ कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार हमारे सामने खड़ा है। कई नेताओं ने पूरे जीवन लगाए, उसी तरह से मोदी जी ने भी गुजरात से शुरू कर देश के राष्ट्रीय संगठन मंत्री नाते काम कर संगठन के कई कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया, और जब पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी, मुझे ठीक याद है उस वक्त गुजरात में बड़ा भूकंप आया हुआ था और गुजरात की जनता का मनोबल गिरा हुआ था, सब लोग मानते थे कि इसमें से गुजरात कभी उभरेगा या नहीं उभरेगा, ऐसे संकट के समय पर पार्टी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बने। और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, इसके पहले नरेंद्र मोदी जी को एक पंचायत चलाने का भी अनुभव नहीं था, उस गांव प्रधान का चुनाव भी नहीं जीते, मगर सीधे मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश को चलाया, गुजरात को चलाया, और 14 साल के अंदर देश